हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ साड़ी में फोल लगाने का तरीका, क्योंकि काफ़ी बार जो है हमें साड़ी में फोल लगाना ठीक से नहीं आता है तो हमारे साड़ी में झोल आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको छोटी सी टिप्स के साथ साड़ी में फोल लगाना बताने वाली हूँ। तो ये मेरा फोल है जिसको मैंने साफ़ करके आयरन कर लिया है। ये ज़रूरी स्टेप है, आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो यहाँ पे जो मैं साड़ी ले रही हूँ वो आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल साड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है ये साड़ी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आने के चांस रहते हैं। तो इसी में मैं आपको बताने वाली हूँ फोल लगाने का तरीका। तो सबसे पहले फोल लगाने के लिए हमें कितनी दूरी से फोल लगानी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप लोग साड़ी का किनारा देख सकते हो, वहाँ यहाँ पर मैंने पिको नहीं किया हुआ है, मैंने फोल कर दिया है फैब्रिक को, क्योंकि इसको पिको करना थोड़ा, जब पिको करते हैं तो ये पलट जाता है, तो इसीलिए पिको नहीं किया है मैंने। तो शुरू से साड़ी का शुरू से आपको मेज़र करना है 10 इंच की दूरी तक, और वहाँ पे आपको लगा लेनी है मार्किंग। तो ये जो हमने 10 इंच पे मार्किंग लगाया है यहीं से हम लोग शुरू करेंगे अपना फोल लगाना। तो यहाँ पे मैं एक पटरे का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऐसे कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि नीचे अगर आपका फैब्रिक रहेगा तो वो साड़ी के साथ ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो अपना फोल लिया है उसके किनारे में मैंने इस तरह से फोल कर दिया है, तो इससे एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, तो इसलिए मैंने फोल कर दिया है। और जो ये जो सीधा साइड है उसको हमें ऊपर रखना है, और जो उल्टा साइड है उसको हमें साड़ी में रखना है इस तरह से। और जो मार्किंग है हम लोग वहीं उसी पॉइंट में इसको रखेंगे, क्योंकि 10 इंच की दूरी से हमें साड़ी में फोल लगानी है। तो यहाँ पर जो मैं धागा ले रही हूँ ये डबल धागा ले रही हूँ, तो इस तरह से आपको भी डबल, क्योंकि नीचे हम लोग तुरपाई कर रहे हैं तो डबल ही धागा लेंगे। तो इस तरह से आपको साड़ी के साथ फोल का भी कपड़ा लेना है एक साथ, और यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है, नोट लगा देनी है ताकि यहाँ पे खुले नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है गांठ लगा दिया है, उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच करेंगे, सीधा में टाँके लगाएंगे। लेकिन बस हमें इस बात का ख्याल रखना है जो हम टाँके लगाएंगे वो भले हमारे ऊपर की तरफ बड़े टाँके हो, लेकिन नीचे जो हमारा साड़ी का कपड़ा होगा हम छोटी थोड़ा कपड़ा ही लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा साड़ी का कपड़ा भी लेंगे नीचे से तो हमारे जो टाँके हैं वो बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो इसीलिए जो हम साड़ी का कपड़ा है वो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो इस तरह से आपको करना है यहाँ पे तुरपाई, और इस तरह से जैसे मैं हाथ से जब मैं सिल रही हूँ उसके बाद यहाँ पे खींच रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो ये भी करना है आपको, क्योंकि अगर आप यही करते तो झोल आ जाता है जब हम लोग इस तरह से तुरपाई करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत थोड़ा दिख रहा है आपको सुई, ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि मैं थोड़ा सी कपड़ा ले रही हूँ साड़ी का, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। थोड़ा सा लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी साड़ी में। और इस तरह से मैं आपको देख रही हूँ कि मैं जो है झोल निकाल रही हूँ साड़ी के किनारे से, जो मैं साड़ी यानी तुरपाई लगा रही हूँ, हाथ की सिलाई लगा रही हूँ, तो इस तरह झोल भी निकालते जा रही हूँ। तो ये आपको करना है अपने साड़ी में जब आप फोल लगा रहे हो, ये भी ज़रूरी चीज़ है। ये सब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इसी की वजह से हमारी जो साड़ी है उसमें काफ़ी बार झोल आ जाती है। तो इस तरह से नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं तुरपाई, उसी तरह से मैं कर रही हूँ या टाँके लगा रही हूँ, हाथ सिलाई कर रही हूँ, कुछ भी आप समझ रहे हो। और इस तरह से मैं झोल निकालते जा रही हूँ। आप लोग सीधी साइड देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको जो टाँके हैं वो बड़ी बड़ी नहीं दिखेगी, और उसी तरह से हम लोग पूरी साड़ी में लगा लेंगे फोल को। तो यहाँ पे अभी जो है हमारा जो लेस है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से लेस स्टार्टिंग हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको करना है। तो जो हमारा लेस है उसके बराबर हम लोग यहाँ पे फोल को लेंगे, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा है वो हम लोग का ऊपर है, आप लोग देख सकते हो साड़ी का कपड़ा हमारे लेस से ऊपर है, तो हम लोग लेस के बराबर से लगाएंगे अपना फोल, ना कि साड़ी का कपड़ा के बराबर से। तो इस तरह से यहाँ पे आपका, क्योंकि अभी हम लोग का लेस आ गया है तो हम बड़ी बड़ी टाँके भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी टाँके भी ले सकते हो। और स्टिच आपको वही नॉर्मल करना है जैसे हम लोग टाँके लगाते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं मैं बड़ी बड़ी टाके ही ले रही हूँ, क्योंकि अभी इस लेस आ चुका है तो यहाँ पे आपको छोटी टाके लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपको झोल भी निकालते हुए जाना है जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग हाथ से मुझे देख ही रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे आई होप कि। और देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से झोल निकालते जा रही हूँ, तो इसी तरह से आपको भी करना है। और इसी तरह से करते हुए आपको पूरी जो साड़ी है उसमें फोल लगा लेनी है। और इसी प्रोसेस को करते हुए तुरपाई लगाएंगे, उसके बाद आपको झोल भी निकालते हुए जाना है और पूरी में इसी तरह से फोल लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है नीचे साइड साड़ी के मैंने पूरी में फोल लगा लिया है, और जो यहाँ पे लेस में है मैंने बड़ी टाँके लगाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टाँके हैं वो नहीं दिख रही, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आपको नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको भी पूरी जो फोल है वो साड़ी में लगा लेनी है। और इधर जहाँ पे साड़ी का लेस नहीं है वहाँ पे मैंने छोटी टाँके ही लगाई है, यानी साड़ी का जो कपड़ा है वो मैंने थोड़ा ही लगाया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो इस तरह से आपको बराबर आपका जो झोल वगैरह होगा फोल में वो आपको ठीक कर लेना है, सीधा कर लेना है इस तरह से। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो सारे अच्छे से जो मेरा फोल है उसको मैंने रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी जैसे हमने पहले नीचे लगाया था साड़ी के कपड़े और फोल के कपड़े को साथ में लेना है और गांठ लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग स्टिच किया था हमने वैसे ही करेंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी टाँकी होगी वो छोटी छोटी होगी। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऊपर किस तरह से अपना यानी जो टाँके है वो लगाने के बाद आपको किस तरह से कपड़े को सही करना है, किस तरह से नहीं करना है ताकि झोल ना आए कपड़े में, साड़ी में सॉरी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि मैं नॉर्मली ही टाँके सीधे सीधे टाँके लगा रही हूँ, बस जो साड़ी का कपड़ा है वो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ नीचे से, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और इस तरह से आपको बराबर जो आपका फोल होता है और रिंकल्स उसमें नहीं आने चाहिए ना साड़ी के कपड़े में आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत थोड़ा सा जो सुई है वो निकाल रही हूँ साड़ी के साड़ी से। तो इस तरह से मैं नॉर्मली सिलाई करती जा रही हूँ या हाथ की सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से आपको आगे जो है हाथ अपना दबा लेना है ताकि साड़ी में कोई सॉरी जो फोल है उसमें कोई खिंचाव नहीं आए जब आप इस तरह से सिलाई लगाओ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीधे साइड में जो हमारी सिलाई है बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं थोड़ा ही ले रही हूँ कपड़ा। और इस तरह से आपको आगे अपना हाथ से दबा देना है और इस तरह से तुरपाई करते हुए जाना है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, तभी से मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। तो यहाँ पे और एक चीज़, जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग फोल या जो हमारे साड़ी है उसको जब हम लोग सेट करते हैं तो यहाँ पे साड़ी में फोल में हम लोग का कभी भी जो झोल है वो नहीं आता है, हमारे साड़ी की वजह से ही झोल आता है। तो आपको इस तरह से कभी भी जो फोल है आपको वो इस तरह से सही नहीं करना है, हमें इस तरह से साड़ी को सही करते हुए जाना है क्योंकि झोल हमारे साड़ी में आता है ना कि फोल में आता है। तो इसलिए आपको साड़ी को अच्छे से यानी अच्छे से रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आगे की तरफ नहीं सरकाना है जब आप कपड़ा सीधा कर रहे हो या फोल सीधा कर रहे हो साड़ी सीधा कर रहे हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आपको आगे की तरफ नहीं सरकाना है बल्कि आपको ऊपर की तरफ सरकाना है। इस तरह से जैसे आप लोग मुझे करते हुए देख रहे हो यहाँ पर मैं बार बार वो चीज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और इस चीज़ में नॉर्मली ही कर रही हूँ, बस यही एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको इस तरह से कपड़े को सरकाना है ना कि आगे की तरफ खसका रहे हो आप साड़ी को या जो फोल है उसको। तो इस तरह से आपको करना, आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर से सही कर रही हूँ अपने कपड़े को जो भी झोल वगैरह साड़ी में आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बार बार कपड़े बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आप लोग देख सकते हो सीधी साइड में जो हमारी टाँके है वो नहीं दिख रही है, तो इसी तरह से आपके भी जो छोटी छोटी टाँके आपको लेनी है ताकि दिखे नहीं और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इसी तरह से नॉर्मली आपको सिलाई करते हुए जाना है और मैं हमें इसी तरह से कर रही हूँ साड़ी के कपड़े को सीधा कर रही हूँ, पूरी में आपको इसी तरह से कर लेनी है फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगी तुरपाई अपनी साड़ी का जो फोल है उसको पूरा लगा लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से हमारा लगा है साड़ी
साड़ी का फोल रिंकल्स आए हैं या नहीं आए हैं। और यहाँ पे और एक बात, अगर आपके बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले या बहुत ज़्यादा लेस यूज़ किया हुआ है आपके साड़ी में, तो आपके साड़ी में झोल ज़रूर आएंगे, थोड़े झोल तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़्यादा झोल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ज़रूर आएगा, मैं ये आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब हमने साड़ी या हैवी बॉर्डर वाला यूज़ करते हैं साड़ी, तो उसमें झोल आता ही है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो पूरी साड़ी में मैंने फोल लगा लिया है और उसी तरीके से लगाया है जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने पूरी में साड़ी में फोल लगा लिया। तो इस तरह से आपको फोल लगानी है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपको बताया फोल लगाने का तरीका। और अगर आप ऐसी ही मेरी वीडियोस फेसबुक पेज पर भी देखना चाहते हैं तो उसको भी लाइक कर दीजिए पेज को। और यहाँ पे मैं आपको खड़े साड़ी दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे रिंकल्स नहीं आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो झोल नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हो। एक बार इस टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।